अब इतने दिनों से गायब था क्योंकि एग्जाम्स थे सेमेस्टर के। इसी बीच में मेरे काफी लफड़े हुए, उसमें से ये अभी बहन का लौड़ा है। तो कमेंट में अभी की माँ का वोजडा 69 बार जरूर डाल देना। अब देखो, इस वीडियो के सारे प्रूफ्स तुम्हें मेरे रूटर पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उधार लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ वो वीडियो डाल के मैं स्ट्राइक लेने का रिस्क नहीं ले सकता। अब देखो, इस वीडियो के बाद बहुत लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, इसीलिए मुझे तुम सबका सपोर्ट चाहिए होगा। और सपोर्ट तुम कैसे दोगे? इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों में। आइए देखते हैं, बहरचंद मजा आएगा। आजकल के अखंड चूतियों के सिर्फ एक ही भगवान होते हैं, और वो है एम्यूलेटर के तट्टे। हाँ, वही जो पैनल लगा के रेड नंबर मार के तुम्हारा चूतिया काटते हैं और तुम इन पे भरोसा करके अपना वोजडा करवा लेते हो। तभी तो व्हाइट 444 जैसे माधरचोद आके तुम्हारी गांड मार के चले जाते हैं, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। खैर कोई बात नहीं, बैंगन पकड़ो मेरा, मैं तुम्हें बताता हूँ किस पे ट्रस्ट करनी है। अभी की माँ का वोजडा 69 बार इन दा चैट लगते। चलो चलो, तुम इस क्लिप को देखो। सब नॉर्मल लगा? अब इस क्लिप को देखो। और अगर ये भी नॉर्मल लगा तो भाई अखंड पिकाचू निकले, तुम तो कोई नहीं। अभी इन सबके पीछे के सीक्रेट क्लिप को देखो। समझ रहे हो ना? अगर थोड़ी भी बुद्धि बची होगी ऊपर के मामले में तो तुम्हें इन सब क्लिप में कुछ कॉमन दिख गया होगा। इन क्लिप्स को देखते एक समझदार आदमी सीधा बोलेगा, ये तो हैकर है। अब देखो, आजकल के ये जादूगर थोड़े एडवांस हो गए हैं। ये फ्री वाला हैक नहीं लगाते, ये एक नई आईडी उठाते हैं, उसमें 20-30 लेवल करके 1000 या 800 वाला एम्यूलेटर एंटी बैन पैनल खरीदते हैं, या फिर वही पुराना चीट इंजन यूज करते हैं फॉर नो रिकॉइल एंड एम्बॉट, और फिर ये पेड कस्टम लगाते हैं जिसमें जीत के पैसे वापस रिकवर करते हैं। फिर ये पहले वाले से भी बेहतर पैनल खरीद लेते हैं, और ये लूप चलता रहता है। इस बिजनेस में फायदा भी है और मजे भी, लेकिन अगर पकड़े गए ना तो लौड़े लगना पक्का है। खैर, अब तुम बोलोगे कि भाई हम वेरीफाई कैसे करें, कौन है हैकर, कौन रियल पीसी प्लेयर। देखो, ये बिल्कुल सिंपल है और इनके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, प्लेयर के प्रोफाइल से। अब देखो, तुम्हारे स्क्रीन पर जो आईडी दिख रही है ना, ये एक भोसड़ी वाला पीसी का हैकर ही है। इसमें तुम लेवल पर नजर डालो, फिर लाइक्स देखो। एक पुराना एक्सपीरियंस प्लेयर देख के बोल देगा हैकर है ये। स्टेप 2, इनके गेम प्ले पे जरा ठीक से फोकस करना, इनके शॉट मिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, एक दिन मैंने इस बंदे का और एक रियल पीसी प्लेयर जो कि ओनली वन टैप खेलता है, जिसकी 70 लेवल की आईडी है, उससे कस्टम करवाया। उस बंदे के 2M मिस हो रहे थे, फिर 1 लग रहे थे, और वो भी वन टैप। लेकिन ये वो सदी का, जैसे ही गोलियां पेल रहा था, मानो कि इसने अलग ही गेम डाउनलोड कर रखा है जिससे इसके फाइनल शॉट हेड लग रहे हैं। स्टेप 3, और ये काफी पुराना ट्रिक है जिससे मोस्ट ऑफ द हैकर्स पकड़े ही जाते हैं, और वो है रिलोड। मोस्ट ऑफ द हैकर्स रिलोड करने लगते हैं ताकि उनका एम किसी और बंदे पे अचानक ना जाए, और वीडियो में देख लो, मोस्ट ऑफ फाइटिंग टाइम भी ये बंदा रिलोड मार रहा है, वरना ये भरोसे वाली की भी एम चली जाएगी और ये पकड़ा जाएगा। और तो और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर फिर भी समझ ना आया तो फिर कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन भरोसे वालों में जो पेड कस्टम खेलते हैं, और बाकी के प्रूफ्स जाके रूटर पे देख लेना। और अगर मुझसे पर्सनल बात करनी हो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, वहाँ टूर्नामेंट्स भी होती हैं और मैं वहाँ दिन भर ऑनलाइन रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Perfect.